मेरा नाम आशुतोष है और आप जो देख रहे हैं इसका नाम दिल लड्डाप है। बातचीत शुरू करते हैं कल्ट से। कल्ट क्या होता है? परिभाषा में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, लाखों नेताओं के बावजूद फिदेल कास्ट्रो के कंधे पर बैठे कबूतर वाली फोटो कल्ट है। 33 करोड़ देवी देवताओं के बावजूद केवल कृष्ण का विराट रूप कल्ट है। रोज सुने जाने वाले भाषणों के बीच मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम कल्ट है। दसियों क्रांति पुरुषों के बावजूद केवल चे ग्वेरा कल्ट है। हजारों भाव भंगिमाओं के बीच एक विशेष कैमरा एंगल से लिया गया शाहरुख का हाथ फैलाने वाला सीन कल्ट है। ढेरों बेहतरीन कोरियोग्राफ्ड गीतों के रहते भी फटी जीन्स पहने और टॉपलेस सलमान खान का ओ ओ जाने जाना वाला गीत का डांस स्टेप कल्ट है। सलमान खान शाहरुख खान दो कल्ट। दरअसल सफलताओं की दो अलहदा कहानियाँ, दो कहानियाँ जिसके कई किरदार एक ही हैं, दो कहानियाँ जिसके नायक भी कभी एक से हैं तो कभी अलग अलग। सलमान खान शाहरुख खान जो 2018 तक आते आते अपना एक यूनिक ऑरा बना चुके हैं। यूं दोनों में 10 अंतर ढूंढना उनके फैंस तो क्या अब एक आम इंसान के लिए भी मुश्किल नहीं है। सलमान खान शाहरुख खान जिनको कल्ट बनाती है उनकी फैन फॉलोइंग। दोनों के शुरुआती करियर की बात की जाए तो देश काल और परिस्थिति तीनों ही इतनी अलग थी कि तुलना करना ऐसा लगता है जैसे संतरे और सेब की तुलना करना। मुंबई का सलमान शाहरुख से कहीं पहले ही स्टार बन चुका था। मैंने प्यार किया से भी पहले, बीवी हो तो ऐसी से भी पहले, बल्कि पैदा होने से भी पहले, यही स्टार पुत्र पुत्रियों का एडवांटेज है। अब जैसे तैमूर को ही ले लीजिए। और दूसरी तरफ दिल्ली के लौंडे शाहरुख का करियर ऋतु आए फल हुए की तर्ज पर धीरे धीरे नरिश हुआ। बिल्कुल बेसिक से नुक्कड़ नाटक, टीवी कलाकार, टीवी कलाकार में लीड रोल, फिल्म, फिल्मी विलेन और फिर कहीं जाकर नाम से पहले दी लगा, दी शाहरुख खान। यूं शाहरुख और सलमान के बीच का अंतर कुछ कुछ मोहम्मद रफ़ी और किशोर के अंतर सरीखा लगता है। शाहरुख की सफलता कोई रिवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन सरीखी थी। एक पुरानी मैच्योर्ड विस्की सी धीरे धीरे परवान चढ़ी और जब चढ़ गई तो उतरी नहीं। उधर सलमान की सफलता वुडका शॉट सरीखी, झट से चढ़े और झट से उतर जाए। लेकिन उतरते उतरते सफलता का दूसरा बॉटम सब तैयार, तो नशा वहाँ भी लगातार बना रहता। इसलिए शाहरुख के प्रोमिनेंट कमबैक नहीं दिखेंगे, सलमान के दिखेंगे, ऐसे कि आप उन पर उंगली लगाकर बता सकते हो। शाहरुख ग्रे शेड में भी शाहरुख था, शाहरुख कॉलेज रोमांस में भी शाहरुख था, शाहरुख उससे पहले भी शाहरुख था, शाहरुख उसके बाद भी शाहरुख ही रहा। दूसरी तरफ हम आपके हैं कौन वाला सलमान कोई और था, और प्यार किया तो डरना क्या वाला सलमान कोई और। तेरे नाम वाले सलमान और बजरंगी भाईजान वाले सलमान भला एक ही शख्स हो सकते हैं क्या? नहीं ना। ऐसा लगता था कि मैंने प्यार क्यों किया वाला सलमान मैंने प्यार किया वाले सलमान का मजाक उड़ा रहा है। ऐसा लगता कि दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। सलमान एक बैड बॉय था इसलिए उसे बैड बॉयज का प्रेम मिला, जबकि शाहरुख की शैतानियाँ भी कूल से लेकर क्यूट के स्पेक्ट्रम में आती थी, इसलिए वो लड़कियों के भी दिल में राज करने लगा। इस प्रेम और राज के बीच का ही अंतर सलमान और शाहरुख के बीच का अंतर है। शाहरुख तमाम बुराइयों के बावजूद रोमांटिक था, सलमान तमाम रोमांस के बावजूद बुरा था। अर्ली 90 वो लिबरलाइजेशन का काल था, स्वप्न का काल, रेनेसा के इंतजार का काल, उम्मीदों और आशाओं का काल। उसी दौरान दो सालों में दो डॉक्यूमेंट्रीज आई, एक थी भारत की विवाह परंपरा के ऊपर और दूसरा था एक ट्रैवल ब्लॉग। एक का नाम था हम आपके हैं कौन, दूसरे का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो बड़े बड़े सेट्स और विदेशी लोकेशंस का काल था। ये मजे की बात है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बावजूद शाहरुख की छवि एक मध्यवर्गीय एक्टर की ही थी, उसकी तुलना अमोल पालेकर से की गई। वहीं हम आपके हैं कौन जैसी फैमिली मूवी के बावजूद सलमान कैसिनोवा टाइप विलेन और एंटी हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाला शाहरुख मैरिज मटेरियल और मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन वाला सलमान कैसिनोवा। शाहरुख क्लासेस की सबसे नीची सीढ़ी में आते थे, उनसे ऊपर नसीर जैसे कलाकार थे। सलमान मासेस की सबसे ऊंची सीढ़ी में आते थे, उनके नीचे जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार थे। शाहरुख ने बहुत कम आर्ट मूवीज़ की मगर की, जैसे माया मेम साहब, पहेली वगैरह। लेकिन सलमान कमोबेश कमर्शियल बने रहे।
शाहरुख जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बियर चुरा रहे होते थे तब भी क्यूट लगते थे, जबकि अभी कुछ समय पहले ही डर, बाजीगर और अंजाम में एंटी हीरो बन चुके थे। उधर सलमान जब बंधन में कहते कि जो जिया जी कहेंगे वो मैं करूँगा, तो लगता कि कोई मुन्ना भाई गांधीगिरी कर रहा हो। तेरे नाम और हम दिल दे चुके सनम दोनों ही में हारा हुआ सलमान भी बैडेस सलमान है, लेकिन यस बॉस और राजू बन गया जेंटलमैन का मतलबी शाहरुख भी ओ सो क्यूट है। यूं जो वे फिल्मों में कर रहे थे उसकी लगभग उल्टी इमेज रियल में बन रही थी, यही अल्टर ईगो था। सलमान कला पक्ष थे, अपने होने की कमाते थे। शाहरुख भाव पक्ष थे, अपने करने की खाते थे। मैंने गौर किया है कि विशाल भारद्वाज और इम्तियाज़ अली दोनों ही औरतों को समझने में और उसको पोर्ट्रेट करने में माहिर हैं, लेकिन जहां विशाल विमेन साइकोलॉजी के विशेषज्ञ हैं वहीं इम्तियाज़ विमेन फिलॉसफी के। विशाल की फिल्मों की औरतों को देखकर औरों को लगता है कि हाँ औरतें ऐसी ही होती हैं, वहीं इम्तियाज़ की फिल्मों की औरतों को देखकर खुद को लगता है अरे ऐसी ही तो हूँ मैं। लोग शाहरुख से प्रेम करते हैं लेकिन सलमान सा बनना चाहते हैं। सलमान सा बनना पुरुषों के लिए आसान है, शाहरुख से प्रेम करना स्त्रियों के लिए आसान है, इसलिए ही मैंने देखा है जेंडर वाइज भी दोनों की फैन फॉलोइंग में अंतर है। शाहरुख के फैंस शाहरुख को चाहते हैं, सलमान के फैंस सलमान बनना चाहते हैं। सलमान की बॉडी, सलमान की हेयर स्टाइल, सलमान का ब्रेसलेट, लेकिन शाहरुख के केस में शाहरुख एक सोच हैं, इसलिए वो शाहरुख हैं। शाहरुख हुआ नहीं जा सकता, बस शाहरुख से प्रेम किया जा सकता है, और यूं शाहरुख को प्रेम करने वाले ज्ञान मार्ग में चलें, सलमान को प्रेम करने वाले भक्ति मार्ग में, रांझा रांझा कर दीने में आप पे रांझा हुई। शाहरुख रिस्क लेते रहते थे लेकिन फिर भी उनका करियर ज़्यादा स्टेबल लगा। सलमान सेफ प्ले करते थे लेकिन फिर भी उनका करियर ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। शाहरुख और सलमान दोस्त थे, दोस्त हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। चलते चलते के सेट पर दोनों की हाथापाई रिश्तों में खटाई की तरह थी। आपकी अदालत में एक बार सलमान ने कहा भी था कि हमारे परिवार के रिश्ते अच्छे हैं, वे मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन परिवार के दो बच्चे जैसे एक दूसरे से बात नहीं करते, वही स्थिति है। शाहरुख को देखकर लगता है कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो बिजनेसमैन होते, वहीं सलमान को देखकर कहा जा सकता है कि अगर वो एक्टर ना होते तो स्पोर्ट्समैन होते, लेकिन है जस्ट अपोजिट। शाहरुख जब तक चोटिल ना हुए थे तब तक खेल को अपना करियर बनाना चाहते थे, इधर सलमान बीइंग ह्यूमन ब्रांड के कर्ता धर्ता हैं। शाहरुख दिल्ली हैं, सलमान मुंबई। शाहरुख सफलता हैं, सलमान परंपरा। शाहरुख फैमिली हैं, सलमान बैचलर। शाहरुख आजकल अपनी ही सफलता के मुकाबले छोटे लगने लगे हैं या उनकी सफलताएं उनसे बड़ी हो गई हैं। जीरो में उनके किरदार का साइज फिल्म इंडस्ट्री में उनके इस समय के कद को रिप्रेजेंट करता सा लगता है। होने को तुलना की बात की जाए तो जहां इस एक सीन में सलमान लंबा है लेकिन शाहरुख आगे खड़ा है, वहीं करियर में सलमान आगे हैं और शाहरुख का कद लंबा है। शाहरुख जो कहते थे कि मेरा कंपटीशन खुद अपने आप से है, यकीनन अपनी ही सफलता के मुकाबले बौने लगने लगे हैं, इसीलिए तो कभी फैन कभी बिल्लू बार्बर में खुद का किरदार करते हुए नजर आते हैं। लगता है कि उनको उठना है तो किसी शाहरुख की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। सलमान और शाहरुख चाहे कितने ही बड़े दोस्त या दुश्मन हों लेकिन उनके फैंस हमेशा तलवारें ताने खड़े रहते हैं, उनके बीच कभी दोस्ती संभव नहीं है, और उन सबको पता है कि ये दौड़ का अंतिम लैप है और हर लैप में आगे रहने वाले शाहरुख इस लैप में हांफ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब उनको 360 डिग्री मेकओवर की ज़रूरत है। क्या ये भी एक संयोग नहीं है कि 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही होता है? क्या ये 0 शाहरुख को वापस रेस में ला पाएगी? क्या रोहित शेट्टी, इम्तियाज़ अली जो नहीं कर पाए वो आनंद एल राय कर पाएंगे? इतनी डीप तुलना हमारे बस की नहीं थी, ये काम सिर्फ दर्पण दाजू कर सकते थे, तो उन्होंने अपना काम किया और मैंने आप तक पहुंचाया। ऐसे और वीडियोस देखने हैं नई नई फिल्मों के बारे में, नए सेलिब्रिटीज़ के बारे में, इन सब लोगों के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे वीडियोस देखते रहिए। आपको मालूम है क्या करना है? अभी लेटेस्ट तो ये है कि हमारा ऐप आ गया है एंड्रॉयड पर, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और पहले से जो मौजूद है हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।